भाई साहब गाड़ी जाएगी अपनी, आई डाउट। अगर आपको सरस्वती रिवर देखनी है तो आपको यहीं दिखाई देगी, उसके बाद हर जगह से वो पतालोक में एंटर कर जाती हैं। ये है सरस्वती रिवर। भीम ने जब पांडवों को यहाँ पे स्वर्ग का रास्ता जाना था तो इस रास्ते से इधर की तरफ जाने के लिए बीच में कोई ब्रिज नहीं था, तो इतना बड़ा विशाल पत्थर फेंक के यहाँ पर बीच में ब्रिज बनाया गया था। इतना बड़ा पत्थर है यार। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। दिस इज डे 2 बोल सकते हो, क्योंकि डे 1 तो काउंट ही मत करो। वैसे तो कल रात की जो नाइट थी वो बद्रीनाथ के अंदर ही थी हमारी स्टे हमारा, बट अर्ली मॉर्निंग में अगर आपकी बात करूँ अभी तो धूप निकल रही है लेकिन हवा भी तेज चल रही है, तो मैंने अंदर दो लेयर पहन रखी है, मतलब वार्मर पहन रखी है, उसके ऊपर एक हल्की सी फुल स्लीव की टी शर्ट है और ये जैकेट है। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ऐसा तो होना ही था क्योंकि भाई हम जब निकले थे घर से और मैं नॉन स्टॉप 22 घंटे के बाद मैं दिल्ली पहुँचा हूँ, मतलब 22 घंटे के बाद मैं बद्रीनाथ पहुँचा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो मैंने इनसे वैसे ही एक्सेप्शन ले लिया था कि यार मैं थोड़ा लेट चेकआउट करूँगा, और अब जा रहे हैं बद्रीनाथ टेम्पल और वहाँ से जाएंगे माना विलेज। आज की आइटनरी क्या होने वाली है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले गाड़ी में चलते हैं क्योंकि चेकआउट करते हैं। खाना कुछ खाया नहीं है, देखते हैं आसपास मंदिर के पास ही कुछ खा लेंगे। सो लेट्स गो और वहीं मिलते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया हम निकल रहे हैं अपने होटल से, इसका नाम है थूमा पैलेस होटल। तो भैया क्या नाम है आपका? सर संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी के साथ में खड़ा हूँ। तो हमें रूम काफ़ी रीजनेबल रेट पे मिल गया था क्योंकि हम टोटल हमने जो रूम लिया वो 3 के हिसाब से लिया था एक रूम, और यूज़र वगैरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। रूम अच्छे से वेल कंस्ट्रक्टेड है और अभी भी काम चल रहा है। तो यहाँ से मंदिर कितना दूर है? यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा पास भी मत लेना क्योंकि भीड़ भड़ाका होता है, और गाड़ी वाड़ी की पार्किंग वगैरह की सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी आपको। तो आओ तो आप यहाँ पे मिल सकते हो थूमा पैलेस यहाँ पे। बाकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा सो दैट आप यहाँ पे आओ तो आप बुक करा सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो अभी हमने पता किया है कि मंदिर में तो है 2-3 घंटे की लाइन, प्लस अभी 1 बज रहे हैं तो 12 बजे मंदिर में भोग लगता है, मंदिर हो जाता है बंद, अब खुलेगा 3 बजे। तो हमारा प्लान अब थोड़ा सा चेंज हो गया, हम सोच रहे पहले माना विलेज घूम के आ जाए। माना विलेज के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से करंट जहाँ से अभी हम हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चली जाएगी, 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही पूरा माना विलेज है, तो आप लोकली घूम के वापस आ सकते हो बद्रीनाथ टेम्पल के लिए। फाइनली बोर्ड आ चुका है सामने, फर्स्ट इंडियन विलेज। ओ अच्छा, ये फर्स्ट इंडियन विलेज, नॉट द लास्ट भाई, फर्स्ट इंडियन विलेज विच इज माना। गाइस हमें बोर्ड दिख चुका है फाइनली, फर्स्ट इंडियन विलेज जो है माना। इसके बाहर आपको सैनिक ढाबा मिल जाएगा कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, लाइन मतलब पार्किंग फुल हो गई है। आगे अगर आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे कहीं गांव है तो आपको पैदल ही घूमने जाना पड़ेगा। अंदर घूमने के लिए 6 पॉइंट हैं अलग अलग, जैसे भीम पुल, सरस्वती रिवर ऐसे करके, और इसके बाहर का नज़ारा देखो ऐसा लग रहा है भाई किसी दूसरी कंट्री में आ गए यार। बर्फ के पहाड़ और ये पूरे ग्रीनरी, और वो देखो सामने से वाटरफॉल दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया नज़ारा लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है यार ये। यहाँ पे बर्फ, यहाँ पे ग्रीनरी, मतलब असल सच में लग रहा है कि यहाँ से इंडिया का फर्स्ट बता रहे हैं, तो सच में इसके बाद ही कुछ चेंज ही हो जाएगा बिल्कुल ही। दिस इज फर्स्ट इंडियन विलेज राइट? या माना। हाँ तो अभी हम जाएंगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। नितुषा इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ से दूसरी कंट्री चाइना का ज़्यादा चीज़ें दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास SDM की परमिशन है तो आप आगे जाके माना पास भी जा सकते हो, वो भी देखेंगे हमें भी थोड़ी देर तक। और कुछ बताओ कैसा लग रहा है, और कुछ एनीथिंग जो एक्सप्लोर कर सकते हो व्यूअर्स यहाँ के? यहाँ की व्यू एकदम सुंदर है और माउंटेन का भी सीजन है तो वी कैन सी दैट ऑफ स्नो के माउंटेन और स्काई भी, लाइक एवरीथिंग इज एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सुबह जल्दी उठना वरना सारी आइटनरी में पानी फिर जाएगा। रोड तो सही बना रखी है लेकिन जैसे आपने लद्दाख विलेज का देखा होगा, लद्दाख में थांग विलेज गए थे वैसा ही है, बहुत ज़्यादा नैरो है और थोड़ा भीड़ भड़का ज़्यादा है, तो इसके वजह से लग रही है। ओ भाई साहब गाड़ी जाएगी अपनी, आई डाउट, लेट्स सी, छोटी गाड़ी है भाई और ये वाटर क्रॉसिंग भी कर रही है, बताओ हमारी गाड़ी आज। अरे भाई साहब 50 रुपये की पार्किंग देने के बाद कहीं भी जहाँ जगह मिले वो लगा दो, जैसे हमने ऐसे लगा दिया। नहीं नहीं भाई, ये फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, भीड़ बहुत है, बट यहाँ ये लास्ट पॉइंट है, मेरे को जगह मिल गई सबसे आगे, इसके आगे वैसे भी गाड़ी अलाउड नहीं है और पैदल करके जाना पड़ेगा, तो मैंने शूज़ पहन लिए।
पहले कुछ खा लेते हैं यार, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, फिर चलेंगे ऊपर ट्रैक पे। सो भाई ऐसा कुछ नज़ारा नीचे देखो, सरस्वती रिवर है आई थिंक, और यहाँ से एक ब्रिज भी जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे ड्रोन शॉट्स अलाउड है नहीं है, पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डर एरिया के पास ना ड्रोन शॉट्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैक ईजी है, कोई भी कर सकता है यहाँ पे आके, बूढ़े भी कर रहे हैं, यंग भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। पुराने टाइप के बने हुए घर दिख जाएंगे भाई आप लोगों को, और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे किसी को गर्म कपड़े लेने हैं, और रूम्स भी अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात, मोस्टली ऐसा होता है यहाँ पे रूम्स नहीं होते हैं, गाँव वगैरह में कम होते हैं, और यहाँ अच्छी खासी शॉप्स हैं, रूम्स हैं, खाने पीने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। वही गाँव का रास्ता जा रहा है, पूरा पुराने जैसे गाँव होते हैं प्रॉपर वैसी, कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं देखो। सो भाई आप ऐसे ये भी ले सकते हो जिसमें आपको लोग लिफ्ट करके ऊपर तक लेके जाएंगे, अगर इनकेस आप घूमना चाहते हो बट हिम्मत नहीं है। ये देखो ये कितने का कराते हो भाई, ये कितने का कराते हो, दोनों के बताओ, अप एंड डाउन, और सिर्फ जाना जाना 900 रुपये सारा 6 पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप भी मिल जाएगा चढ़ते चढ़ते, गाइड नहीं लेना तो नहीं लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सारे एक ही जगह पे जा रहे होते हैं। ये छोटी सी शॉप में बैठ के हमने अभी मैगी ऑर्डर करी है, अभी मैगी खाते हैं फिर दोबारा से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी वेदर की बात करूँ तो वेदर बढ़िया है, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो, मतलब ट्रैक कर सकते हो, गर्मी भी हो जाएगी ट्रैक करते करते, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। शाम के टाइम पर बद्रीनाथ घूम के सोच रहे हैं कि गोविंद घाट वापस चले जाएँ, तो जैसे भी होता है अभी बताते हैं, बस मैगी खा के ऊपर चलते हैं और नज़ारे दिखाते हैं। सो यार मैगी वगैरह खा ली, 50 रुपये की मैगी है, माना विलेज जो कि फर्स्ट विलेज है उस हिसाब से इतनी महंगी भी नहीं है। अब आगे बढ़ चुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको यहाँ पे टेंट भी मिल जाएंगे, जिनको होम स्टे में नहीं रहना है तो यहाँ पे टेंट इनके बनाए हुए उसमें भी रह सकते हो। ये वॉशरूम हो गया आपका अलग से, पूरी घर जैसी फील ले सकते हो। यार हम तो प्लेन्स के बंदे हैं, हमें तो इनका बच्चों वाला ट्रैक भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाइस देखो दो रास्ते आते हैं आपके यहाँ से, एक जगह पे इधर लेफ्ट जाओगे तो भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, राइट जाओगे तो गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो हम पहले जा रहे हैं राइट में और ऊपर चलते हैं। अब चुके हैं गणेश गुफा, बहुत भीड़ है यार, पास में थी राइट कट लेके। गुफा की तरफ सेम रूट पे ही 200 मीटर आगे, बट यार हमें आदत नहीं है ना तो जल्दी ज़्यादा थक रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम पहुँच चुके हैं विष्णु गुफा, अब ये यहाँ से एंट्री है, ये भी छोटी सी गुफा है, प्यास पोठी नाम है इसका, और वो पुराना रास्ता था वहाँ से आने का पहले, वो टूट चुका है आई थिंक लैंडस्लाइड वगैरह से। मंदिर के अंदर का तो देखो ज़्यादा शूट कर नहीं पाऊँगा, जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगा, बाकी कुछ चीज़ें प्राइवेसी भी रहना ज़रूरी है। विष्णु गुफा के बाहर आपको इंडिया की फर्स्ट टी शॉप मिल जाएगी, यहाँ से आप चाय कॉफ़ी ले सकते हो, पकोड़े वकोड़े समोसे वमोसे सब मिल जाएंगे यहाँ पे खाने पीने के लिए। कहाँ से आए हो यार? मेरठ से। मेरठ से? अच्छा मेरठ से हो सारे? सारे सारे। अरे वाह, ये मेरठ। कैसा लग रहा है सब घूम के? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। अरे वाह यार, बढ़िया यार, इससे काम धंधे छोड़ दिया हमने, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए, ये देख लो भाई बढ़ते जा रहा है। नहीं बढ़िया यार, बद्रीनाथ आए हो तो यार अच्छे से मजे लेके जाओ, पूरे बढ़िया घूम के जाओ। तीनों धाम। अच्छा अच्छा, आए तुषार प्रिंस, गणेश जी का जयकारा लगा दो। जय करो वीर बजरंगे।
बढ़िया भाई, चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। सो यार अभी जो दिखाया है, कुछ भाई लोग हमारे मेरठ से आए हुए हैं, ऐसे मिल लिए, काफी अच्छा लगा। सारे के सारे घूमने आए हुए हैं, ग्रुप था पूरा 8-10 बंदों का। तो अब चलते हैं और विष्णु गुफा के अंदर निकलते हैं फिर यहाँ से। इसके अंदर गुफा है जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। ये है गाइस होली केव, 5330 साल पुरानी, 5331 हो चुके हैं क्योंकि 2022 में लिखा गया था। ऐसा कहावत है कि सरस्वती रिवर आपको कहीं ऊपर आते हुए बहते हुए नहीं दिखती, क्योंकि ऐसा बोला गया था कोई शाप है। तो अगर आपको सरस्वती रिवर देखनी है तो आपको यहीं दिखाई देगी, उसके बाद हर जगह से वो पाताल लोक में एंटर कर जाती हैं। ये देखो, ये है सरस्वती रिवर जो कि आप साफ देख सकते हो यहाँ से। और फ्लो देखो गाइस कितना तेज़ है यार। मतलब माना विलेज के यहाँ से ही आपको दिखेगी, इसके बाद हर जगह पे आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो पाताल लोक के अंदर से जाती है। जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ यही भीम पुल है, और यहाँ से दिखती है सरस्वती रिवर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ये भी बहुत पुराना बना हुआ है पांडवों के टाइम का, इसको आई थिंक दोबारा बना रही है यहाँ की गवर्नमेंट। देखो जैसे ही आप, मैंने आपको बताया था ना, आप किसी टूर पे निकलते हो जहाँ पे इंडिया का लास्ट या फर्स्ट विलेज होता है, लोग मोस्टली सबका नाम यही रख देते हैं कि फर्स्ट शॉप, लास्ट शॉप। ये भी ऐसे रखा हुआ है, प्रथम दुकान। इससे पिछली जगह जहाँ हम गए थे वो भी यही लिखा हुआ था, प्रथम दुकान। तो अब पता नहीं कौन सी प्रथम है, बट पॉइंट ये है कि इससे आगे वासुधारा है 6 किलोमीटर आगे, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई ना मिलेगा आपको। बस एक वाटरफॉल का ट्रैक है जहाँ पे अल्लू अर्जुन की मूवी की शूटिंग हुई थी, बट इससे आगे बोला जाता है कि पांडव ने अपना जो एक जर्नी स्टार्ट करी थी स्वर्ग के लिए, 35 किलोमीटर का ट्रैक है वो, जिसको बोला जाता है स्वर्ग का रास्ता वहाँ का। तो इस रोड पर आगे जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आई थिंक तभी यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान लिखा हुआ है। सो गाइस ये है भीमशिला। अब भीमशिला इसको क्यों बोला जाता है ये आपको बता दूँ, क्योंकि भीम ने जब पांडवों को यहाँ पे स्वर्ग का रास्ता जाना था तो इस रास्ते से इधर की तरफ जाने के लिए बीच में कोई ब्रिज नहीं था, तो इतना बड़ा विशाल पत्थर फेंक के यहाँ पर बीच में ब्रिज बनाया गया था। अब तो खैर हमने हैंड लाइक मैनमेड बना दिया यहाँ पे सिटी वगैरह, पर पहले ये सिर्फ पत्थर था। देखो कैसे इतना बड़ा पत्थर है यार। सो गाइस बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। ज़्यादा मैंने शूट जितना हो सकता था उतना करा। माना विलेज एक फर्स्ट विलेज बोल सकते हो या लास्ट विलेज, कुछ भी बोलो कि मतलब इंडिया के इधर से बोलोगे तो फर्स्ट भी बोल सकते हो, लास्ट भी बोल सकते हो, इसके बाद चाइना लग जाता है। तो यहाँ पे पाँच छः पॉइंट हैं घूमने के लिए, तो थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ही है वो भी ज़्यादा के ज़्यादा बोल सकते हो। जैसे सरस्वती रिवर है, यहाँ से आप क्लोज व्यू देख सकते हो। इसके अलावा आपको सरस्वती व्यू का क्लोज इतना व्यू नहीं नज़र आएगा क्योंकि वो पाताल लोक से होके निकलती है, मतलब अंडरग्राउंड रहती है सरस्वती रिवर। और जो पांडव थे उनके ज़्यादा हिस्ट्री के यहाँ पे साइन बोर्ड हैं यहाँ पे, मतलब बहुत चीज़ें देखी गई हैं यहाँ पे। और एक वाटरफॉल है जिसपे अल्लू अर्जुन की मूवी की शूटिंग हुई है, बद्रीनाथ धाम। वो 5 किलोमीटर का ट्रैक था और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे 2:30 बज रहे थे, तो पॉसिबल नहीं हो सकता था वो, मुझे पता है, क्योंकि हर कोई 2 घंटे बोल रहा था। बट मुझे पता है पर्सनली कि पहाड़ के लोग 2 घंटे बोलते हैं और होता वो 6-7 घंटे है। और बस यही सब निकल दिया क्योंकि मेन है बद्रीनाथ। अगर आप बद्रीनाथ आए और वहीं दर्शन नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर इतनी दूर आने का, 20-22 घंटे गाड़ी चलाने का। अभी हम जा रहे हैं, हमने लोकल से पता किया और जो लोग यहाँ पे आ रखे हैं टूरिस्ट उनसे पता किया कि भाई बद्रीनाथ जाओ, 2-3 घंटे का तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद अंदर नंबर आएगा आपका। तो अभी टाइम हो रहा है 4:20। मैंने सोचा यहाँ तो कवर हो ही गया सब कुछ और फिर निकलते हैं यहाँ से। रही बात ड्रोन की, तो यार मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, 2-3 इशू आ रहे थे। पहले तो मेमोरी कार्ड का कोई इशू आ रहा था, करप्ट हो गया, और दूसरा फिर यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से ना वो उतना सिग्नल्स नहीं पकड़ पा रहा था, 0 सिग्नल दिखा रहा था। आई डोंट नो क्या हुआ इसमें, तो कहीं और जगह मिलेगी तो बहुत अच्छा मैं दिखाऊंगा आपको।